This video only for the medical student as the part of the syllabus. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. Hi everyone, welcoming health step session. आज के सेशन में हम बात करेंगे EcoSprint 75 के बारे में. EcoSprint 75 है क्या? इसका जो कंटेंट है सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे और फिर इसके कंपनी के बारे में समझेंगे और फिर इसका यूज, इसका साइड इफेक्ट और ये हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं. सबसे पहले समझते हैं कि इसे कौन सी कंपनी इसका प्रोडक्शन करती है. तो इसकी कंपनी का नाम है यूएसवी लिमिटेड. ये हमें मार्केट में 4 रुपया से लेकर 5 रुपया के बीच में मिलता है. इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं. इसका कंटेंट है एस्प्रिन 75 mg. ये एस्प्रिन है क्या? आप जब EcoSprint 75 को देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा एस्प्रिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट. एस्प्रिन तो इसका साल्ट है, कंपोजिशन है. गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट का मतलब होता है कि स्टोमक में नहीं काम करेगा, ये जाकर इंटेस्टाइन में काम करेगा. ये स्टोमक के लिए रेजिस्टेंस है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट. ये एक NSAID टैबलेट है. NSAID टैबलेट मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है ये. ओके, इसके आप यूज़ के बारे में समझते हैं. तो ये एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है. आपने भी देखा कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी है. ये प्रिवेंट करती है क्लॉट को. इसका हम लोग यूज़ करते हैं हार्ट अटैक में, कार्डियक प्रॉब्लम में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसे हम लोग MI बोलते हैं, एंजाइना में जब दिल में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, रेमोटाइटिस आर्थराइटिस में, और ब्लड वेसल में यदि क्लॉट बन जाए तो, या क्लॉट बनने का चांस ज़्यादा हो तो, उसे हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस. ओके, ये एक और मैकेनिज्म से काम करता है, इसे हम बोलते हैं ब्लड थिनर. ये खून को पतला भी करता है, ठीक है. तो इसका मैकेनिज्म जो एक्शन है, ये खून को पतला कर देता है. यदि ब्लड वेसल में किस पर कोई थ्रोम्बोसिस हो रखा है तो उसे वो तोड़ भी देता है और खून को पतला भी कर देता है. अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में समझते हैं. इसका साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट है इसका नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न एंड ड्रॉजिनेस. ये एक मामूली सा साइड इफेक्ट है जो इतना खतरनाक सा नहीं है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो इसके कंट्राइंडिकेशन का है. कंट्राइंडिकेशन क्या है कि यदि किसी को किसी बॉडी पार्ट में ब्लीडिंग हो रहा है तो उस समय इस एस्प्रिन को, EcoSprint 75 mg को नहीं देंगे. जो EcoSprint 75 mg है, ये कई mg मिलता है, 75, 100, 150, लेकिन हम इसे नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे ब्लीडिंग में? क्योंकि बॉडी में पहले से ब्लीडिंग हो रहा है और इसे देंगे तो ये ब्लीडिंग को तो और इंक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि ये क्लॉट को रोकता है, तो क्लॉट नहीं हो पाएगा तो ब्लीडिंग और ज़्यादा होगा. इसे प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं. कई डॉक्टर इसे प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं. इसके पीछे कोई और कारण होता है उनका, तो ज़्यादातर इसे हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, इससे बचाते हैं, ठीक है. इसे अल्कोहल के साथ नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल है इसके साइड इफ़ेक्ट को हॉर्स करता है, मतलब और बढ़ाता है. अभी तो साइड इफ़ेक्ट मामूली है, लेकिन अल्कोहल के साथ लेंगे तो यही साइड इफ़ेक्ट हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, इसीलिए इसे अल्कोहल के साथ नहीं लें. अब बात करते हैं इसके डोज का. इसका डोज क्या है? एक टैबलेट एक दिन में लें. डिपेंड ऑन योर बॉडी, योर प्रॉब्लम एंड वॉट योर डॉक्टर से अबाउट डैट. ओके फ्रेंड्स, अब ये जो EcoSprint 75 mg या 100 mg या 150 mg है, ये क्या करता है? ये हमारे जो बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे बॉडी में, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल. तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. अब बात आती है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता क्या, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे हमारे बॉडी में बनता है. जैसे स्मोकिंग, कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. हेरिडेटरी से होता है कि पहले हमारे पूर्वजों को था तो हमें भी हो गया, हमारे में भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है. पुअर डाइट कोई लेता होगा, बाहर का चीज़ ज़्यादा खाता होगा, फैटी चीज़ ज़्यादा खाता है, वाइली चीज़ ज़्यादा खाता है, तो चलो बोलते हैं पुअर डाइट. लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, बहुत मोटापा होने की वजह से, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़. यदि किसी को डायबिटीज़ है तो उसको भी ये वाली प्रॉब्लम होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है. ओके फ्रेंड्स, अब आप किस मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें. आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.